अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता अमीर हसनैन, एजुकेशन कंसल्टेंट की रिप्रेजेंटेटिव। और आज हमारे साथ हैं चेचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उमे बनीन। आए उनसे पूछते हैं हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट तक वो कैसे पहुँची। अस्सलामुअलैकुम उमे बनीन। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, होते हैं। मैं ठीक हूँ। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका उमे मैम? मैं सिंध से आई हूँ दादू में। सिंध से आपका ताल्लुक है, इतनी दूर से कैसे आपको पता चला है इसके बारे में? जी मैम, बेसिकली मेरा एक कज़न था, उसने मुझे लिंक सेंड की थी ना, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं अप्लाई नहीं करूँगी, ये फेक होगी। तो उसने बोला कि आप ट्राई करके देखें, तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और फिर मुझे ईमेल आ गई और मेरी टेस्ट हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50% स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, माशाल्लाह से आपने जो है वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया। और अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टीज? नो मैम, कुछ भी नहीं। हसनैन एजुकेशन वो एक मतलब इदारा है जो कि बहुत कोऑपरेटिव है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और हमें कोई परेशानी नहीं हुई और इजीली एडमिशन हो गई हमारी। ठीक है, तो उमे बनीन, जब आपका एडमिशन हो गया, आपने स्कॉलरशिप मिला, क्या वाकई ही आपको स्कॉलरशिप मिला था या जस्ट नाम था कि जिस स्कॉलरशिप में? नहीं नहीं मैम, वाकई मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और मेरी मार्क्स के थ्रू जो थी वो स्कॉलरशिप मिल रही थी। जिन बच्चों की 90 से अबो थी तो उनको फुल स्कॉलरशिप थी, लेकिन मेरी मार्क्स जो थी वो 60 से अबो थी तो मुझे हाफ जो है ना 50% स्कॉलरशिप मिली और ये रियल है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिली और ये एक ऑथेंटिक चीज है कि वाकई ही मिलती है। क्या आपका बैच जो प्रीवियस था वो जा चुके हैं? जी हाँ मैम, वो चाइना जा चुका है, उन लोगों की क्लासेस भी हो रही है। ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, किसी गलत जगह तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गए हैं अपने एजुकेशन परसेंटेज से, बहुत अच्छा है। कभी कोई प्रॉब्लम हो और हसनैन एजुकेशन ने कहा सॉरी बेटा हम तो आपको जानते नहीं, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं मैम, कभी भी नहीं हुआ। वो लोग बिल्कुल मतलब ऐसे समझे बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं और बहुत ज्यादा हमें प्यार देते हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। चलिए, वो बच्चे जो कि पाकिस्तान में जिनका मैरिट नहीं बनता और फर्दर स्टडीज के लिए वो चाइना को चूज करते हैं लेकिन उनके दिल में बहुत सारे डर होते हैं, तो उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो और जिनका पाकिस्तान में नहीं बनता वो यहाँ पे आ जाए हसनैन एजुकेशन से रब्ता करें और अपनी एडमिशन लें। चाइना भी बहुत अच्छा है MBBS के लिए, खासतौर के जो गर्ल्स है उनके लिए बहुत सेफ जगह है और बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच उमे बनीन, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।